नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आम नागरिकों के लिए बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, सरकार की ओर से देश भर में सभी महिलाओं को 3 महीने तक मुफ्त में LPG गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया गया है। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने इसके अंदर गरीबों को लेकर बहुत ही बड़े ऐलान किए हैं। आज की बड़ी खबरों में चीन से फैली महामारी को लेकर बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है देशवासियों के लिए। देश की सरकार ने गरीबों को बहुत ही बड़ी राहत देते हुए 80 करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो गेहूं और इसी के साथ में 3 रुपए किलो की दर से चावल देने का ऐलान भी कर दिया है। और इसी के साथ में मनरेगा के 5 करोड़ मजदूरों को लेकर भी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तो जानेंगे हम आज तमाम बड़ी खबरों को, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ में नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको सबसे पहले देश और दुनिया की काम की खबरें मिलती रहे। चलिए तो आज की पहली खबर है, 8 करोड़ महिलाओं को 3 महीने तक मुफ्त में मिलेगा LPG गैस सिलेंडर, सरकार का ऐलान। जी हां दोस्तों, चीनी बीमारी की वजह से पूरे देश में हुए लॉकडाउन से आम आदमी को राहत देने के लिए वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3 महीने तक LPG रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त में देने का ऐलान किया है और इससे 8 करोड़ महिलाओं को फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ BPL परिवारों को 3 महीने तक फ्री सिलेंडर मिलेगा और इससे देश के 40 करोड़ परिवारों को फायदा मिलेगा। चलिए तो अगली खबर है, 5 करोड़ मनरेगा मजदूरों के लिए हुआ बड़ा ऐलान, अब इतने रुपए मिलेगी दिहाड़ी। जी हां दोस्तों, चीनी बीमारी के संकट से निपटने के लिए सरकार ने आज एक और राहत पैकेज की घोषणा की और इसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को कैश रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे और इसके अलावा सरकार ने मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों की सैलरी यानी कि वेतन को भी बढ़ा दिया है। बता दें कि सरकार ने मनरेगा की दिहाड़ी को 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया है और इसके तहत सरकार 5 करोड़ लोगों को इसका लाभ देने वाली है। चलिए तो अगली खबर है, लॉकडाउन के बीच ही बंद हो सकती है अधिकतर बैंकों की ब्रांच, कैश विड्रॉल की नई व्यवस्था पर है विचार। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कई प्रमुख सरकारी बैंक इस बात पर विचार कर रहे हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में अपने कर्मचारियों को संक्रमण से बचाने के लिए और खतरे से बचाने के लिए अधिकतर ब्रांचों को बंद कर दिया जाए। आपको बता दें कि देश में 21 दिनों के लॉकडाउन के अंदर भी बैंकों को छूट दी गई है, जिसके अंतर्गत बैंक सुबह 10 बजे से लगाकर दोपहर के 2 बजे तक खुले रहते हैं। तो ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेन-देन के तरीकों में बदलाव करने का विचार कर रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन का उपयोग किया जा सके और लोगों को बैंकों में आने से रोका जा सके। चलिए तो अगली बड़ी खबर है, 20 करोड़ 50 लाख महिलाओं के खाते में हर महीने 500 रुपए ट्रांसफर करेगी सरकार, जानिए इससे जुड़ी सभी बातें। जी हां दोस्तों, चीनी बीमारी की वजह से देश भर में हुए लॉकडाउन से आम लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है और इसी बीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने महिलाओं के लिए जनधन खाते में 3 महीने तक 500 रुपए डालने का ऐलान किया है और इसके अंतर्गत देश भर में 20 करोड़ 50 लाख महिलाओं को इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। तो ऐसे में जिन जिन महिलाओं के पास जनधन खाते हैं, उनके खाते में सरकार जल्दी 500 रुपए की पहली किस्त डालने वाली है, क्योंकि सरकार ने लोगों के लिए अब अपने खजाने को खोल दिया है। क्योंकि देश भर में लॉकडाउन की स्थिति में जिन लोगों के पास पक्के मकान है, वे तो अपने घरों में रह रहे, लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर है उन लोगों का क्या, उनके पास खुद के मकान नहीं है, तो ऐसे में वे सड़कों पर चलकर अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। और इन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए, खास करके दिहाड़ी मजदूरों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस तरह के फैसले लिए हैं। तो ऐसे में सरकार की ओर से देश की तमाम जनधन खाताधारक महिलाओं को अप्रैल, मई और जून 3 महीनों में 500-500 रुपए की किस्त दी जाएगी। चलिए तो अगली खबर है, 1.7 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज, वित्त मंत्री की 15 प्रमुख घोषणाएं। जी हां दोस्तों, देश में फैली चीनी बीमारी के संकट से लोगों को बचाने के लिए सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। तो ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की ओर से 15 प्रमुख घोषणाएं देशवासियों के लिए की गई है, क्योंकि सरकार की पहली कोशिश देश के हर नागरिक का पेट भरना है और इसके अलावा उनकी अन्य जरूरतों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT के तहत अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे। तो आइए आपको बता दें कि सरकार के इस राहत पैकेज के अंतर्गत किन किन लोगों को फायदा मिलेगा। सरकार ने इस चीज को 8 कैटेगरी में बांट दिया है, जिसके अंतर्गत किसान, मनरेगा, गरीब, विधवा पेंशनर, दिव्यांग, जनधन योजना, उज्ज्वला स्कीम, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि वुमेन्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर को EPFO के जरिए और कंस्ट्रक्शन के वर्कर को इसका फायदा दिया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट दिया है, जिसमें पहला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत 80 करोड़ लोगों को कवर किया जाएगा और इस योजना के तहत अगले 3 महीने तक यानी कि अप्रैल, मई, जून तक 5 किलो चावल और गेहूं गरीबों को मुफ्त में दिए जाएंगे और इसके अलावा 1 किलो दाल हर परिवार को मुफ्त में दी जाएगी। तीसरा ऐलान है गरीबों के लिए खाने
करने का प्रबंध किया जाएगा और इसके अलावा डीबीटी के जरिए अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार ने चौथा ऐलान करते हुए कहा कि 8.7 करोड़ किसानों के अकाउंट में अप्रैल के पहले हफ्ते में 2,000 रुपए की किस्त डाली जाएगी। सरकार बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा महिला को एक मुश्त की 1,000 रुपए की दो किस्त अलग से देगी, जिसका लाभ करीब 3 करोड़ लोगों को मिलेगा। चीनी बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर, नर्स, आशा सहयोगी के साथ ही मेडिकल स्टाफ के लिए इंश्योरेंस की घोषणा सरकार की ओर से की गई है। सरकार ने इन लोगों को 50 लाख के मेडिकल इंश्योरेंस को देने का ऐलान किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इसका लाभ करीब 20 लाख मेडिकल स्टाफ को मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने अगला ऐलान करते हुए बताया कि वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 20 लाख तक का लोन देने का ऐलान किया गया। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत करीब 8,30,00,000 परिवारों को जो गैस सिलेंडर मिला है उन्हें अगले 3 महीने तक मुफ्त में गैस सिलेंडर मिलता रहेगा। और इसी के साथ में जिन लोगों को ईपीएफओ का लाभ मिलता है उनके लिए वित्त मंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि अगले 3 महीने तक सरकार एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों का हिस्सा बेसिक सैलरी का 24% जमा करेगी और यह उन कंपनियों पर लागू होगा जहां पर 100 से कम एम्प्लॉई है और जहां पर 90% एम्प्लॉई की सैलरी 15,000 रुपए से कम है। और इसके अलावा भी सरकार ने मेडिकल स्क्रीनिंग को लेकर भी लोगों के लिए कई ऐलान किए हैं जिसका आपको अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिलेगा। चलिए तो अगली खबर है, दिल्ली में 24 घंटे खुली रहेगी जरूरी सामान की दुकानें, खाने की हो सकेगी होम डिलीवरी, केजरीवाल ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में लोगों की जरूरत के मद्देनजर केजरीवाल सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत दिल्ली में जरूरी सामान उपलब्ध करवाने वाली दुकानें आदेश जारी होने के बाद से ही 24 घंटे खुली रहेगी। बता दें कि दिल्ली की सरकार ने लॉकडाउन के दौरान किसी भी आवश्यक वस्तु की कमी न हो सके इसके लिए दुकानों को 24 घंटे खुले रखने की इजाजत दे दी है। और इसी के साथ में दिल्ली में दुकानों पर भीड़ कम करने के लिए ऑनलाइन फूड होम डिलीवरी की सेवाएं भी जारी रहेगी। केजरीवाल के बयान के अनुसार डिलीवरी बॉय को सिर्फ अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा और इसके बाद डिलीवरी बॉय घर घर जाकर ऑनलाइन सामान की डिलीवरी कर सकेंगे। चलिए तो अगली खबर है, पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, 6,000 कैदियों को पैरोल पर छोड़ेगी। जी हां दोस्तों, देश में फैली चीनी बीमारी को लेकर देश भर में तेजी से फैलने के बाद इसे रोकने के लिए एक तरफ देश में 21 दिनों का लॉकडाउन है तो वही पंजाब की सरकार ने जेलों में भीड़ को कम करने के लिए 6,000 कैदियों को पैरोल पर छोड़ने का फैसला कर दिया है। पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि ऐसे कैदी जिन्हें 7 साल से कम की सजा मिली है उन 6,000 कैदियों को पेरोल पर छोड़ने का फैसला किया गया। चलिए तो अगली बड़ी खबर है, अमेरिका ने घोषित किया सबसे बड़ा 151,00,000 रुपए का राहत पैकेज, हर आदमी को मिलेंगे 90,000 रुपए। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में फैली महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में जो गिरावट देखने को मिल रही है उसका असर अमेरिका के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने $2,00,000 यानी कि करीब 151,00,000 रुपए का राहत पैकेज आम लोगों के लिए घोषित कर दिया है जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति के हिस्से में 90,000 रुपए आएंगे। बताया जा रहा है कि यह अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है आम लोगों के लिए। अमेरिका में 706 लोगों की अब तक मौतें हो चुकी है इस बीमारी की वजह से। चलिए तो इसी बीमारी को लेकर एक राहत की खबर है कि चीन पर सटीक भविष्यवाणी करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता बोले जल्द खत्म होगी ये महामारी। जी हां दोस्तों, चीन की इस बीमारी के बढ़ते प्रकोप से पूरी दुनिया दहशत में है और इस खतरनाक बीमारी के चलते दुनिया भर की करीब 1/3 आबादी अपने घरों में कैद होने पर मजबूर हो गई है। लेकिन इसी माहौल के बीच में नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल लेविट की एक भविष्यवाणी लोगों को कुछ राहत दे सकती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बायोफिजिस्ट और नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल ने एक भविष्यवाणी की है कि चीन की इस बीमारी का खैर जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि पूरी दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही है और इसी के चलते यह महामारी आगे नहीं फैलेगी। चलिए तो ये तो काफी अच्छी बात है। यदि आप भी चाहते हैं कि यह महामारी जल्द से जल्द ठीक हो जाए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगली खबर है, 30,000 से कम वेतन वाले को यह कंपनी महीने में 2 बार देगी सैलरी। जी हां दोस्तों, इस महामारी के चलते तमाम सरकारी और गैर सरकारी कंपनियां संकट में है और इसी संकट का सामना करते हुए रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बड़ा फैसला कर दिया है जो कि दूसरी कंपनियों के लिए एक बहुत ही बड़ी सीख है। लॉकडाउन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रिलायंस इंडस्ट्री ने फैसला किया है कि जिन कर्मचारियों की सैलरी 30,000 रुपए से कम है उन्हें महीने में 2 बार वेतन दिया जाएगा यानी कि महीने में 2 बार सैलरी दी जाएगी। चलिए तो अगली खबर है, बिहार में 50 गांव के लोगों ने खुद ही सील कर दी सड़कें, न कोई आएगा न कोई जाएगा। जी हां दोस्तों, चीनी बीमारी के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया है जिसके बाद बिहार के 50 गांव के निवासियों ने खुद ब खुद ही सड़कों को सील कर दिया। गांव वालों ने गांव के बाहर ही पोस्टर लगाकर लिख दिया कि किसी भी अपरिचित व्यक्ति का गांव के अंदर आना मना है और इसी के साथ में वाहन के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। चलिए तो बात करेंगे सोने चांदी के भाव की। सबसे पहले जानेंगे 22 कैरेट के अनुसार आज का सोने का ताजा भाव, तो 1 ग्राम के अनुसार 4,205 रुपए,
8 ग्राम के अनुसार 33,640 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 42,050 रुपए और 100 ग्राम के अनुसार 4,20,500 रुपए 22 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। वही बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की, तो 1 ग्राम के अनुसार 4,325 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 34,600 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 43,250 रुपए और 100 ग्राम के अनुसार 4,32,500 रुपए 24 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। वही बात करें भारत के बड़े शहरों में आज 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार सोने के भाव की, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस स्क्रीन पर दी गई है। वही दोस्तों चांदी 884 रुपए टूटकर 40,822 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। चलिए तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि होल्कर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। लोग इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली प्रकाशित किए जाएंगे और उन्हें दिया जाएगा गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर और इसी के साथ में पेटीएम कैश भी। चलिए तो फटाफट से नीचे कमेंट करके इसका जवाब दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इसी के साथ में नीचे दिया गया सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको सबसे पहले काम की खबरों की जानकारी मिलती रहेगी। चलिए तो आज के मुख्य खबरों में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।